शादी मैंने किए 6 साल गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 6 साल बाद यहाँ पर ये जब स्टार्टिंग में चल रहा था हम दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था वेरी गुड अच्छे से चल रहा था हर चीज 2-3 महीने मैं इनको खुद बता अपनी वालदा के घर चले जाओ थोड़ा रेस्ट ले लो तुम घूम फिर के आ जाओ माइंड फ्रेश हो जाएगा जाती नहीं थी जब से ये खुद ही पसंद करके मेरे भाई के लिए रिश्ता ये लेकर आए अपनी दोस्त तो तो किसकी पसंद है आपकी पसंद है पहले मेरे हम दोनों में बहुत प्यार था बहुत मोहब्बत थी देवर ने बोला भाभी आप अपनी पसंद की लेकर आए तो मैंने इनसे बात ये शेयर की कि ये देवर ये बोल रहे थे इन्होंने बोला मेरी दोस्त की बहन है उससे जाके आप देख लो उसे बात कर लो इन्होंने लड़की भी इन्होंने बताई थी कि मेरी दोस्त की बहन से कर लो तो मैंने जाके इनकी मुझे अच्छी लगी मैंने इन लोगों को दिखाया इन्होंने सबसे पहले हाँ किया कि सही रहेगी उसके बाद से जो आई है 1 महीने के बाद पहले शादी से पहले ना मेरा देवर किसी काम से शहर से बाहर नहीं जाता था जैसे ही शादी हुई 1 महीने के बाद कोई ना कोई काम पड़ रहा है शहर से बाहर हमारा बिजनेस कोई ना कोई काम पड़ रहा है शहर से बाहर भेज रहे हैं प्रॉपर्टीज के साथ हम डील करते हैं अच्छा बिजनेस है प्रॉपर्टी का जाना पड़ता है क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जैसे सर मेरा डेली का हमारा क्लाइंट से मैं ताउन करता हूँ अकाउंटिंग मेरे भाई संभालते सारा अकाउंट का सिस्टम मेरा वो संभालते घर का खर्चा वगैरह मैंने उसके हवाले किया मैं सर मैं एक जगह पे नहीं देख सकता जब से तीसरे बच्चे के बाद से जब से ऐसे मसला आया है डॉक्टर ने मैं खुद परेशान हूँ मेरी परेशानी देखकर मेरी भाभी है तो वो मुझ पे ख्याल कर रही है उनको ख्याल नहीं आ रहा है बहुत अच्छे मैं जब ऑफिस से घर आ रहा हूँ देवर को कोई काम नहीं था इनका कोई बिजनेस नहीं था शादी से पहले ये शहर से बाहर नहीं जाते थे जाते थे जाते थे तुम्हारे यहाँ पे पट्टी चढ़ गई अभी रोजाना मैं अपने देवर शोहर को मेरे से फरमाइशें करके खाना बनवाया जाता था लेकिन जैसे ही देवरानी आई कब तुमने खाना अच्छा बनाया कब अच्छा खाना बनाया कब खाना अच्छा बनाया नमक डाल डाल के ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया मानो दोनों माँ बेटी झूठ बोले जा रहे हो और तुम जैसे सच अल्हम्दुलिल्लाह 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 जज साहब मैं पसंद भी इन्हीं की हूँ पसंद हो गई शादी हो गई हर चीज तो दिमाग में जब था तब तभी तुम मना कर दी थी अभी मेरे ऊपर इल्जाम लगाने क्या चीज है जरूरत है मेरे सरबरा घर के सरबरा मेरे शोहर ही है उसके बाद मैं ही हूँ तो मैंने इनसे सबसे पहले फैसला लिया इन्होंने बोला हाँ लड़की बहुत अच्छी है बहुत घरेलू अच्छी रहेगी अच्छी है जब क्यों बनाओ जब जब मैं इसको बनाता हूँ पार्टनर जब